बाबा के महाप्रयाण के बाद 1983 ईस्वी में 15 जून को प्रतिष्ठा दिवस का समारोह की तैयारी हो रही थी। भक्तों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा था। देश विदेश से भारी संख्या में भक्त आते जा रहे थे। इसके 3 दिन पहले एक मजदूर आया। उसने श्री माँ से प्रार्थना की कि आश्रम द्वारा निर्धारित वेतन पर वो काम करना चाहता है। उस समय आश्रम में मजदूरों की बहुत कमी थी, तो मैनेजर ने तत्काल उसकी नियुक्ति कर दी और उसे बर्तन मांजने का काम में लगा दिया। वो मजदूर बहुत परिश्रम से काम करता था, दिन रात काम में लगा रहता था। उसका श्रम देखकर आश्रम के सभी लोग उससे प्रभावित थे। वो मजदूर अपने काम की बदौलत सभी का प्रिय पात्र बन गया। उसमें एक गुण ये भी था कि वो काफ़ी विनम्र था और सबका सम्मान करता था, बहुत मृदुभाषी था। 15 जून को प्रतिष्ठा दिवस धूमधाम से मनाया गया। लगभग 20,000 आदमियों ने प्रसाद पाया। इसके बाद भक्तों की वापसी शुरू हो गई। 2-4 दिनों में ज़्यादातर लोग चले गए। एक दिन अचानक ही मुँह अधेरे वो मजदूर भी चला गया। आश्रम से जो भी वस्तुएं उसको मिली थी वो यथावत छोड़ गया। उसने मजदूरी भी नहीं ली। आखिर बिना मजदूरी के जी जान से श्रम करने वाला वो व्यक्ति कौन था? भक्तों की धारणा यही थी कि आश्रम में मजदूरों की कमी को देखते हुए स्वयं बाबा मजदूर बन गए, भंडारा निपटाया और अंतर्धान हो गए। जय हो नीम करोली बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो।